तमिलनाडु के कुछ राज्यों में जहां पर तमिल बोली जाती है, वहां पर जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो वहां पर फिल्मों के जो फैंस होते हैं, एक्टर्स के जो फैंस होते हैं, वो उनकी फिल्म को हिट कराने के लिए पोस्टर्स पर दूध चढ़ाते हैं और दूध के पैकेट आदि फेंकते हैं। ऐसा करने के पीछे उनकी मान्यता है कि जिस तरह से भगवान के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, भगवान को दूध से नहलाया जाता है, उसी तरह वहां के एक्टर्स जो है वो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। तो उनके रिलीज के समय, फिल्म रिलीज होने के समय, वो भी उनके कटआउट्स पर, उनके पोस्टर्स पर दूध आदि से उस पोस्टर को नहलाते हैं और इस प्रथा को पाल अभिषेकम यानी दूध से नहलाना कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते दो दशक में दूध चढ़ाने का ये प्रचलन तेजी से बढ़ा है और साथ ही साथ बढ़ी है दूध के पैकेट चोरी होने की घटना। मजे की बात है कि ऐसा करने के लिए फैंस दूध के पैकेट्स की चोरियां करते हैं। बड़ी फिल्मों के रिलीज से पहले दूध के पैकेट की चोरी की वारदात जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है। फैंस को ऐसा करने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन बहुत रिक्वेस्ट करती है। कई व्यापारिक संगठन पाल अभिषेकम पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है सन 2015 से ही, क्योंकि इसके कारण हजारों हजारों लीटर दूध जो है बर्बाद हो जाते हैं, व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है और चोरी की वारदात बढ़ जाती है। ऐसा करने से रोकने के लिए इन संगठनों ने बड़े बड़े स्टार्स से भी कहा कि वो अपने फैंस को ऐसा करने से रोके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कई बार एक्टर्स ही अपने फैंस को ऐसा करने के लिए उत्सुक करते हैं ताकि उनकी फिल्म जो है बड़ी हिट हो सके। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 15,000 गैलन दूध बर्बाद होते हैं फिल्म के रिलीज के समय। तमिलनाडु जहां पर 20% से ज्यादा बच्चे दूध नहीं पी पाते गरीबी के कारण, वहां पर ऐसे दूध की बर्बादी करना क्या उचित है? आपको क्या लगता है इसके कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।